फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे आप खाएंगे तो इससे कोई भी हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। शुगर फ्री हैं, चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और बहुत ही हेल्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ होम। मैं हूं निशा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं डेट्स ड्राई फ्रूट लड्डू, यानी कि खजूर के लड्डू। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है, फ्लेम को रखा है लो टू मीडियम, और इसके अंदर अब डाल रही हूं मैं 1/4 कप बादाम। इसको इस तरह से मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में ही डाल देंगे 1/4 कप काजू, इनको भी इसी तरह से मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए भूनेंगे, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना इसको हमें भूनना है जिससे कि इसमें एक क्रंच आ जाए और जब हम लड्डू खाएं तो एकदम नटी फ्लेवर आए। और इस तरह से ड्राई फ्रूट्स किसी भी डिश में यूज़ करने से ड्राई फ्रूट्स का स्वाद और बढ़ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। और इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ किशमिश, तो 1/4 कप ही मैंने किशमिश ली है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आज जितने खजूर मैं इस रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ उसके लिए इतने काजू, बादाम और किशमिश काफ़ी है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें खरबूजे के बीज डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं, अलसी डाल सकते हैं, काफ़ी कुछ ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट हो चुके हैं, 2 मिनट के लिए रोस्ट किया मैंने इसको, और इस स्टेज पर डाल दिया मैंने नारियल का बुरादा, और 1 मिनट के लिए और इसको मिक्स करते हुए यानी कि चलाते हुए हम भून लेंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनेंगे, जो हमारा नारियल का बुरादा है ना उसका कलर एकदम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने भूना है, कलर चेंज नहीं हुआ है, रोस्ट हो गया है बस हल्का सा। तो बस गैस को ऑफ कर देंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को ठंडा हो जाने देंगे। और अब मैंने ले लिए हैं खजूर। मैं यहाँ ना फ्रेंड्स सीडलेस खजूर ले रही हूँ, यानी कि इन खजूर के अंदर बीज नहीं है। सीडलेस खजूर भी आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो आप पहले खजूर को बीज से अलग कर लीजिए, उसके बाद ही लड्डू बनाने के लिए इसका यूज़ कीजिए। तो मैं इन खजूर को ना बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मिक्सी में इसको पीस के यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा भी ना इसको पीसें। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं, और अब इनको हम कढ़ाई में डालेंगे। तो गैस पर फिर से मैंने कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर डाल दिया है मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी। बहुत ज़्यादा देसी घी का यूज़ नहीं होगा इसके अंदर, तो ये बहुत ही हेल्दी है मिठाई, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस घी के अंदर यानी कि इस कढ़ाई के अंदर अब मैंने डाल दिए हैं खजूर जिन्हें हमने बारीक चॉप करके रखा था, और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे करीब 10 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से इन खजूर को भूनने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप जब इन लड्डू खाएंगे ना फ्रेंड्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, इतने हेल्दी हैं और बहुत ही पौष्टिक होता है डेट्स। इसके अंदर बादाम यूज़ किया है, काजू यूज़ किया है, सभी बहुत ही हेल्दी हैं। तो अभी मैं आगे एक और हेल्दी चीज़ इसके अंदर डालूंगी। तो इस तरह से देखिए इसको मैं लगातार चलाते हुए पका रही हूँ, गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। मुझे इस मिक्सचर को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए ये है वो हेल्दी चीज़, ये है पॉपी सीड्स। तो मैंने 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स इसके अंदर डाले हैं, और आप देख सकते हैं इसको मैंने पहले से ही भून के रख लिया था, मेरे पास भुनी हुई रखी हुई थी ये पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस बहुत हेल्दी होती है फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा। और अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो आप इन लड्डुओं को बना के रख सकते हैं। इसमें आप अलसी के बीज भी ऐड कर सकते हैं भून के, और ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे ये लड्डू, और बच्चे भी इन लड्डुओं को बहुत पसंद करेंगे। मिक्स कर दिए मैंने इसके अंदर अलसी भी यानी पॉपी सीड्स भी, अच्छे से मिक्स कर दिया है, और सिर्फ 2 मिनट के लिए और इस तरह से कुक कर लेंगे जिससे कि आपस में अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गए, टोटल 10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है लो टू मीडियम फ्लेम पे, और अब इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। हल्का सा गर्म भी नहीं रखेंगे, जैसे हम और लड्डुओं को बांधने के लिए रखते हैं ना हल्का सा गर्म, इसको आप प्रॉपर ठंडा कर लीजिए। और घातों पे इस तरह से थोड़ा सा घी लगाइए और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस लड्डू को बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आप लड्डू बना के रख लीजिए। और फ्रेंड्स, आप इन लड्डुओं को बनाकर एयर टाइट जार के अंदर भर के 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रिज से बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे इस खाना पसंद नहीं करते ना, ड्राई फ्रूट नहीं खाते, आप उनको ये लड्डू बना के दीजिए, उनको भी बहुत पसंद आएंगे। आप डेली इन लड्डुओं को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अगर कोई डाइटिंग कर रहा है और मीठा खाने का मन है तो इन लड्डुओं को बेझिझक खा सकता है, इससे कोई फैट नहीं बढ़ता है और बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये। तो इस दिवाली अगर आप मिठाई बनाना चाहते हैं ना और शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इस दिवाली आप इस शुगर फ्री मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो इन्हें रोल की शेप में बना सकते हैं, बर्फी की शेप में बना सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और परफेक्ट बनके रेडी हुए हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये लड्डू, ये देखिए एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट लड्डू बनके रेडी हुए हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही ईजी और टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।